नमस्ते नमस्ते, दिस इज माय फ्रेंड। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, आ गई जी। मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। बातचीत को शुरू करने के लिए या जो पहला सवाल है उसको रखने से पहले कुछ टेक्स्ट मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। ईयर 2019 और 2020, 2019 और 2020 को अगर देखा जाए तो कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं, कई ऐसे एरिया रहे हैं जहां औरतों ने आगे आकर बहुत ही शानदार काम किया है। नौसेना में देश को पहली वुमेन पायलट मिली, देश को पहली जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर मिली जो महिला थी, देश को पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री मिली है। इसके साथ ही साथ उदयपुर अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पहली महिला डायरेक्टर आई है। कई ऐसे क्षेत्र रहे जहां महिलाओं ने आगे बढ़कर खुद को साबित किया है, और क्योंकि महिलाओं के क्षेत्र में आपसे बात करने से बेहतर कोई हो नहीं सकता जिससे बात की जाए, क्या आप देखती हैं कि 2019-2020 को महिलाओं के लिए फर्स्ट वुमेन का साल घोषित किया जा सकता है, माना जा सकता है? कौन सा साल? 2019-2020, क्योंकि यहाँ कई क्षेत्रों में पहली बार ऐसा हो जाए महिलाएं आगे आई, खेल से लेकर कॉलेज, नौसेना, वायुसेना, हर जगह। हकीकत है कि हर साल हमारी अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन बढ़ती जा रही हैं, हमारी महिलाओं में काबिलियत बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ रही हैं, और लड़कियों में जैसे जैसे हायर एजुकेशन की व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है वो ले रही है, और उनका नंबर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा डिटर्मिंड आ रही हैं, वो ज़्यादा उत्सुक हैं अपना करियर बनाने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए। सो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इस वक्त इक्वल हैं, अब वह भी उस अपॉर्चुनिटीज का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं, साथ साथ उनके माँ बाप, उनकी फैमिलीज उनको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। सो जो फैमिली सपोर्ट एक चाहिए होती है बच्चे को, उनको इस वक्त मिल रही है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल रही है, अपनी हिम्मत मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, फंडिंग फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, स्कॉलरशिप्स भी का प्रोत्साहन भी है, सो अपनी हिम्मत भी है। सो इसके लिए जैसे ये आप यही साल नहीं, आप देखेंगे हर साल और तरक्की होती जाएगी, आप हर साल सोचेंगे ये साल हमारा सब विमेन अपॉर्चुनिटीज का होगा, नहीं, मैं समझती हूँ हर साल ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो क्या हर साल आप डिक्लेयर करेंगे? यस, हर साल इक्वल होगा, क्योंकि जितनी जितनी लड़कियां लाइक अपनी डिटर्मिनेशन से, उत्सुकता से, कीननेस से डिटर आएगी, आप देखेंगे हर क्षेत्र में ये बहुत आएंगी। आप महिला फर्स्ट कह रही है, फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया गॉट अ फर्स्ट वुमन डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो, निर्मला सीतारमन जी पहली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, पहली डिफेंस मिनिस्टर भी बनी महिला। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं, अगर मैं इसको आपसे जोड़ूं, 1972 वो साल जब आप पहली महिला आईपीएस के तौर पर सामने आई, 48 साल लगे मैम जब हमने देखा कि नौसेना में पहली वुमन पायलट आई। आप कह जरूर रही हैं जो भी आपने कहा कि ये धीरे धीरे हम लगातार देखेंगे, लेकिन ये जो गैप है 48 साल का ये काफी बड़ा है, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर से नौसेना की पहली वुमेन पायलट तक का इतना गैप क्यों लग गया? क्या हमारे इंस्टीट्यूट या हमारा समाज उसके लिए तैयार नहीं? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि इस साल, क्योंकि जुडिशरी ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लॉज ने भी, कोर्ट्स भी इंटरवीन करके इनके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज खोली हैं, और लीगली भी चैलेंज किए गए जब आपकी कोई लिमिटेशन थी, तो इसमें लीगल रूल ऑफ लॉ जुडिशरी ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने तो किया, पॉलिसीज भी हुई, लेकिन जुडिशरी ने भी इंटरवीन करके और भी अपॉर्चुनिटीज खोली हैं। जो आप कह रही हैं, एक ना फ्रेज है वो बार बार कहा जाता था, हम अपने सीनियर से सुनते थे, जब आपके किस्से कॉलेजेस में बताए जाते हैं अभी भी एग्जांपल के तौर पर, कि कैसे आपने नियमों को हमेशा से ऊपर रखा है, तो कई बार एक आवाज आती है समाज के अलग अलग वर्गों से कि देश को शायद 10 किरण बेदी और चाहिए, देश को शायद 100 किरण बेदी और चाहिए, देश को शायद 1000 किरण बेदी और चाहिए, ये क्यों तैयार नहीं हो पाती है कई बार अगर कहा जाए? देश को किरण बेदी नहीं चाहिए, किरण बेदी एक एटीट्यूड है, और ये वो भारतीय एटीट्यूड है, और बड़े गर्व से आप कह सकते हैं ये भारतीय एटीट्यूड है,
आपकी आ गई दोबारा। शायद दिस इज न्यू नॉर्मल, वर्चुअल वर्ल्ड के अपने कुछ नुकसान रहेंगे और हम लोगों को इसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। तो मैं आपको मैं ये कह रही थी कि ये एटीट्यूड है, ये सोच है, और ये सोच बहुतों में है अभी। इसीलिए भारत आज एक नई सोच की तरफ जा रहा है, हिम्मत वाला बन रहा है, हार नहीं रहा, और महिलाएं आगे आके इनिशिएटिव ले रही हैं, लीडरशिप ले रही हैं। सो इसलिए ये एक सोच है। मैं भी अपनी भारतीय सोच की प्रोडक्ट हूँ। मेरे पेरेंट्स इम्पोर्टेड पेरेंट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स भारतीय पेरेंट्स हैं और बड़ी संस्कृति से जुड़े हुए थे, रूटेड थे। सो इसलिए, और मेरे जैसे पेरेंट्स जैसे मेरे हैं हजारों लाखों के हैं, इसीलिए लड़कियां आगे निकल के आ रही हैं। सो हम सिर्फ एक पॉजिटिविटी की सोच के सोचो, क्या बनना चाहते हो, सेल्फ रिलायंस की तरफ चलो, समझदारी की चलो, चलो देशभक्ति की भावना की तरफ चलो, ईमानदारी और मूल्य के साथ चलो। सो आई थिंक ये सोच है, ये एक कॉम्बिनेशन है। सो एक व्यक्ति की नहीं है ये, आप इस एक व्यक्ति में दिखता है अगर, लेकिन औरों में भी दिखता है। सो इट्स लाइक स्पॉटिंग देम आउट, बट देयर ऑल देयर। ये जितनी भी महिलाएं आज टॉप पर गई हैं और जाती जा रही हैं और भी कामयाब हैं अपने अपने क्षेत्र में, गांव में, मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन कामयाब देखी है। किस हिम्मत से वो घर चला रही है, किस हिम्मत से अपने बच्चों को पढ़ा रही है। मैंने ये देखी अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सब्जी उगाती है, सब्जी बेचती है, और अपने बच्चे को उसने प्रोफेशनल बनाया, लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं किए। सो आज आप ग्रास रूट से लेके ऊपर तक आप जाएंगी जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज देश में मिलेंगे, जहां महिला सरपंच है वो आगे गांव का परिवर्तन कर रही है। सो आज ग्रास रूट से लेके मिड लेवल, टॉप लेवल, आज अक्रॉस द बोर्ड इंडिया में आज ऐसी लीडरशिप आ चुकी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे काफी ज्यादा ग्राउंड देखा है, आप इतनी जगहों पर रही हैं, आपने काम किया है कि महिलाएं कई जगहों पर आगे आई हैं। बट अभी भी इफेक्ट ये भी है कि हर वो महिला जो आगे आती है वो सुर्खी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। आप पहली महिला सरपंच, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, पहली महिला वुमेन एयरपोर्ट डायरेक्टर, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो पहली 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 है, ये संख्या कब 100, 200, 1000 हो जाएगी, वो खबरों बनने की जरूरत ना पड़े। ये नॉर्मल लगे हमको कि हाँ हर कोई आगे आता है और उसी तरीके से आगे आने लगे। जैसे आपने कहा कि परिवार बहुत जरूरी होता है और उसने उस तरीके से परवरिश की, ये सोच आपको लगता है कि हर परिवार में पहुंची है या अभी भी पहुंचने की काफी जरूरत है? देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यूज किसकी बनाते। न्यूज ऐसी गुड न्यूज की कहीं कमी नहीं है, हमको उनको आगे लाना है और उनको दिखाना है और लीडरशिप देनी है और लोगों को बताना है उनको उदाहरण। ऐसे उदाहरण आज बहुत है। मीडिया जिस दिन पॉजिटिव न्यूज पर ज्यादा ध्यान लगने लग जाएगा तो ऐसी न्यूज की कोई कमी नहीं है आज। वी हैव टू लुक फॉर पॉजिटिव न्यूज। हम न्यूज उस ओर जा रहे हैं जहां क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रही है। आप अगर वो न्यूज दे रहे हैं तो साथ साथ इंस्पिरेशनल न्यूज भी दे दें। इसमें युवा बहुत है, युवा पुरुष भी है, युवा महिला, मैंने देखे हैं दोनों, मैंने अपने जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं। लेकिन इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ अपनी जगह सोशल मीडिया के थ्रू बना रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज टेलीविजन पर नहीं देते या रेडियो या न्यूज़पेपर, इनके लिए जगह नहीं है। लेकिन जिस दिन आप पॉजिटिव न्यूज में भी स्पेस छोड़ देंगे, इंस्पिरेशन, कॉल द पेज ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशनल का समय आप 2 मिनट भी दे दे टेलीविजन की इतनी न्यूज में, अगर आप लास्ट 5 मिनट्स भी दे दे आज की इंस्पिरेशन, तो आप देखेंगे बहुत फर्क किस क्षेत्र में उन्होंने आगे भाग नहीं लिया। और मैं ये पुरुषों को भी चाहती हूँ, दोनों आए, यंग बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आए, क्योंकि इस वक्त इस समाज को दोनों चाहिए, पुरुष भी चाहिए, महिलाएं भी चाहिए, लड़कियां भी चाहिए, लड़के भी चाहिए। सो हमें मेन एंड वुमेन, तब हमारा समाज पूरा होगा। तो इसलिए मीडिया को एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा मिक्स में। आप कहते हैं ना ब्रेक, एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्रेक लेते हैं, गुड न्यूज के लिए क्यों नहीं ब्रेक लेते? बिल्कुल, ये अच्छा थॉट है। एक और गंभीर मुद्दा है, अभी कोरोना का वक्त चल रहा है, कई लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, कई परिवार ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं जो घर से ही काम कर रहे हैं। इस बीच में कुछ स्टडी आई है, इस बीच में कुछ रिपोर्ट्स आई है। मुंबई पुलिस ने बकायदा एक इनिशिएटिव लिया कि वुमेन हरासमेंट या जो घरेलू हिंसा होती है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए। उनका ये मानना है कि इस वक्त महिलाओं के लिए ज्यादा चैलेंजिंग वक्त है, क्योंकि उनको घर के अंदर भी परिस्थिति संभालनी है और बाहर भी।
आप इससे कितनी हद तक सहमत हैं? अगेन यू आर मोर ऑन नेगेटिव न्यूज, आई एम मोर ऑन पॉजिटिव न्यूज. आप वो क्यों नहीं न्यूज लेते जहां आज पुरुष भी कुकिंग कर रहे हैं, आज पुरुष भी हाथ बटा रहे हैं? हम ये न्यूज क्यों नहीं लेंगे? देखिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस की एक इशू है, लेकिन इसके लिए सॉल्यूशंस हैं. इसके लिए सॉल्यूशंस ये है कि वी कुड हैव हैड मोबाइल क्लिनिक्स मोबाइल फैमिली काउंसलिंग क्लिनिक्स चला देते, ताकि आप 100 नंबर को फोन करें अगर आपको कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो मोबाइल क्लिनिक आपको पहुंचेगी. दैट मीन्स मोबाइल पुलिसिंग, क्योंकि आप नहीं जा सकते, गाड़ी आपके पास, आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, पुलिस आपके पास आ सकती है. तो ये सॉल्यूशंस हैं, तो हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढें. लेकिन अगर दूसरा एंगल लें तो आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चों को ज्यादा माँ बाप मिलकर पढ़ा रहे हैं, पुरुष भी हाथ बटा रहे हैं, महिलाओं का काम जरूर बढ़ गया लेकिन पुरुष का भी काम बढ़ गया. तो हम लोग अब ऐसी बैलेंसिंग स्टोरीज जब समाज में देने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम भी सामने आएगी, सॉल्यूशंस भी आएगा, और जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं वो भी पॉजिटिविटी फैलाएंगे. हमें समाज में कमी भी बतानी है तो अपनी ताकत भी बतानी, हमें बैलेंस करना. आप जो कह रहे हैं, इस बीच में लगातार सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, कई कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ. उसका यही कहना है, मैम ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उम्मीद की ओर देख रहे हैं, पर क्या ये सच से थोड़ा सा मुंह मोड़ने जैसा नहीं है? क्योंकि इस वक्त के लिए चैलेंज महिलाओं के लिए ज्यादा है. एक जो कमेंट है वही बोल रहा हूँ कि आप इंस्पिरेशन है, लोग आपको सुन के कई बार समझते हैं कि समस्याओं से निकले कैसे. तो जो एक वक्त की मतलब परिस्थितियों की जो दोहरी मार है, उसके लिए क्या आपको एक सलाह दे पाएंगे? आपको लगता है कि वो महिलाओं पर ज्यादा पड़ी है पुरुषों के मुकाबले? मैं रियलिटी से नहीं भाग रही, मैं रियलिटी को दोनों रियलिटीज दे रही. हम अगर सिर्फ नेगेटिविटी, एक ये कहा महिला कहती थी मैं हाई इतना काम है, बाहर भी ट्रैवल दो दो घंटे ट्रेन से, बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे एल्डर हेल्प नहीं है. आज तो आपके समय समय आज घर से काम कर रहे हैं. अगर आप ऐसे काम कर सकते हैं घर से, तो अब आपको परेशानी क्या? आप तो घर से काम कर रहे हैं, अगर आपका काम गया तो पुरुषों का भी गया, तो महिलाएं अलग कैसे? लेकिन सवाल उठता है, चुनौती ज्यादा पुरुषों की है कि उनको आज समझना है, और कई समझे भी है. मैंने कईयों लड़कों आदमियों का इंटरव्यू देखा है कि वो कह रहे फर्स्ट टाइम उन्होंने रियलाइज किया है कि बच्चों का पालन पोषण कितना कितना समय लेता है, कितनी एनर्जी लेता है. और अब उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी वाइफ कितना मल्टीटास्क करती थी. अब हमको सभी को मल्टीटास्किंग की हैबिट पड़ गई, और लड़की और हर वोमन भी कर रही है, पुरुष भी कर रहा है. अगर कोई नहीं करता है तो वो उससे वो उसका मतलब खुद ही नकारापन है. लेकिन आज अगर आप कोविड को ये देखें कि हमको मल्टीटास्किंग सिखा रहा है, एडवर्सिटी में रहना सिखा रहा है, और हमें समय की कीमत सिखा रहा है, हमें अपने कहाँ हमारी कमियां थी और हमारी स्ट्रेंथ क्या थी सिखा रहा है, हमें अपनी हेल्थ केयर सिखा रहा है, हमें समय का सदुपयोग करना सिखा रहा है, हमें पैसा वेस्ट करना ना करना सिखा रहा है, हमें फालतू इधर उधर आवारा गर्दी करना कम करना सिखा रहा है. तो हमें कई चीजें कोविड सिखा रहा है, तो उसको क्यों नहीं समझते? सो कोविड में दोनों चीजें हैं, कमियां भी हैं, दुख भी है, परेशानी भी है. हाँ, फालतू खर्चा बंद हो गया है, आपका समय बार बर्बाद होना बंद हो गया है, गलत खाना बंद हो गया, क्योंकि आप कई चीजें हम लोग बाहर जा जाके सही भी खाते थे लेकिन फालतू में एक्स्ट्रा भी खाते थे. सो आज सवाल उठता है किसी चीज की भी, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट इन एवरी सिचुएशन. आज हमने फर्स्ट टाइम इस जनरेशन को एक ऐसी बड़ी चुनौती मिली है जो कि हमारे ग्रैंडफादर्स और फादर्स ने भी देखी हुई, हमारे ग्रैंडफादर्स ने भी देखी, हमारे फादर्स ने भी देखी. हम भूल जाते हैं, हमारे ग्रैंडफादर्स ने वर्ल्ड वॉर्स देखी, हमारे फादर्स ने पार्टीशंस देखी, हमारे फादर ने अर्थक्वेक्स देखे, हमारे ग्रैंडफादर्स ने एपिडेमिक्स देखे और प्लेग्स देखा, सो ड्राउट्स देखे. सो ये बात नहीं है, ये बात सही है कि इस कोविड ने हमें सबको बराबर कर दिया, एक जैसा रोड रोलर बना दिया, जिसमें अमेरिका भी घुसा, हम भी घुसे, ब्राजील भी घुसा, यूरोप भी घुसा. सब चुनौती यहाँ आई, कौन से प्रशासन ने, कौन से देश ने अच्छी गवर्नेंस दी जिसमें वो अर्ली बच गए. अगर आज आप अपना टाइम्स ऑफ इंडिया का आज एडिटोरियल पढ़ें तो वियतनाम की कॉपी है. वियतनाम ने जनवरी में ही काम शुरू कर दिया था. वियतनाम ने सबको इकट्ठा करके सभी की ऐसा हाउस टू हाउस सर्वे करना शुरू करा कि जिसको अर्ली साइन, और वो उनका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, जहां जहां गवर्नेंस अच्छी हुई अर्ली
वहां अर्ली प्रिवेंशन शुरू हो गई, जहां जहां जो लेट हुआ उतनी उनकी मुसीबत हुई। हमारे देश में भी अर्ली डिटेक्शन शुरू हो गई थी कि जो भी बाहर से आ रहा है उसका टेस्ट लो, फीवर टेस्ट लो, कि ये फीवर टेस्ट तो नहीं है, उसको क्वारंटाइन में रखो, तो कई चीजों में बच गए। लेकिन ये बीमारी इतनी सख्त है और 1.3 बिलियन है कि आप इतना इसको अभी थोड़े लाखों में संभाल लिया है, अगर हम पहले नहीं संभालते तो आज बेशुमार नुकसान होता। हम नुकसान से बच गए, लेकिन आज मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए ये जवाब क्यों नहीं है, क्यों नहीं हर आदमी मास्क पहनता, क्यों कहना पड़ता है, क्यों नहीं हर आदमी कहता है कि मैं लाइन में खड़ूंगा, मैं लाइन में भीड़ नहीं लगाऊंगा, मैं गैप लगाऊंगा, मैं मास्क पहनूंगा, मैं गैप लगाऊंगा और मैं अपने हाथों साफ करूंगा जब मैं घर जाऊंगा या घर जाऊंगी, पुरुष हो या महिला, मैं सैनिटेशन करूंगी, मैं जूता बाहर लगाऊंगी, कपड़े फ्रेश करूंगी ताकि मैं अपनी फैमिली में कुछ कोई भी इन्फेक्शन ना लेके जाऊं। ये मुझे बताइए, ये बार बार कहना क्यों पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? क्या इतना कहना काफी नहीं है, बार बार अनाउंसमेंट करना, इसके लिए फाइन लगाने पड़ रहे हैं? और फिर आप देखते हैं कि लाइन लग रही है किस तरीके से गलत चीजों के लिए, खाने पीने के लिए। ये काम तंदुरुस्ती का समय है। सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज समय आ गया है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो हमें नहीं आदत थी, हमें अब आदत पड़ रही है। हर आदमी जिम्मेवार है दूसरे के लिए भी, क्योंकि मैं अगर अपना हेल्थ का ध्यान रखूं, मास्क पहनूं और अपनी दूसरों पर छींकूं नहीं, दूसरे पर अपना ये नहीं डालूं, अपनी वाली बात ना डालूं, तो मैं दूसरे को प्रोटेक्ट करती हूं। जब आप ऐसे रखते हैं तो आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो क्योंकि मुझे आप बता रहे हैं। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, इसकी आदत हमें थी नहीं, अब ये मुश्किल हो रहा है ये आदत डालने की। मैम एक्चुअली आपने जो बात कही, मेरा अगला सवाल मैं कहीं ना कहीं उसी पर आना चाह रहा था, थोड़ा सा पास्ट में आपको ही ले जाना चाहूंगा। जब तिहाड़ की जिम्मेदारी आपके पास थी तो ये अच्छी आदतें वहां लाने की आपने कोशिश की थी, आपने वहां योग लाया था, आपने वहां मेडिटेशन की चीजें लाई थी कि लोग अच्छी चीजें सीख सके, भले ही जो अंदर रहते हैं, दुनिया को किसी भी तरीके से देखती हो, समाज कैसे भी देखता हो, लेकिन वो कुछ अच्छा सीख सके। वो आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाया, वो और इंस्टीट्यूशंस में क्यों नहीं आ पाया? ये तो बहुत अच्छी आदत थी और ये आपने बहुत अर्ली प्रैक्टिस शुरू की, जो आज हम बात करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। लेकिन जब आप नई आते हैं, ऐसी नई चीजें करते हैं, तो बड़ी मेहनत मांगते हैं, क्योंकि आप एक नदी एक तरफ ऐसे चल रही है नदी, तो आप उसको ऐसे मोड़ने लग जाते हैं, तो आप इसको मोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि खुदाई करने करोगे, बंद बनाओगे, लोगों को मोड़ दिखाओगे, सो उसके लिए समय लगता है, इसलिए एनर्जी ज्यादा लगती है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी एनर्जी की, लेकिन कई चीजें हमने आपको मैं बता दूं कि वो व्यर्थ नहीं गया, वो तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बन गया, आप खबर नहीं देते, आपको पता नहीं चलता, लेकिन कई चीजें मेडिटेशन प्रोग्राम्स अब सारे जेलों में फैली है, और आर्ट ऑफ लिविंग ले लो, ईशा योगा ले लो, ब्रह्म कुमारीज ले लो, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो चले गए जेलों में, और आज जेलों में बहुत सुधार के कार्यक्रम हो रहे हैं, आप उनको छापते नहीं, वो न्यूज ढूंढ के निकालते नहीं। जब गलत कुछ होता है तो उसकी इतनी इतनी हेडलाइन बनती है, लेकिन जब अच्छा काम होता है उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो तो करना ही था जी, हमारे वो तो हमारी ड्यूटी थी। वी नीड टू गो वेरी बैलेंस्ड इन आवर अप्रोच, इन आवर प्रेजेंटेशन ऑफ आवर न्यूज बुलेटिन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं उसी को और मैं उसको पॉजिटिव वे में आगे ले जाना चाहता हूँ, कि जो प्रैक्टिस शुरू हुई वो अपने आप में बहुत शानदार थी। आज पूरी दुनिया कह रही है कि हमको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, अगर शायद हम वो योग की प्रैक्टिस, उस मेडिटेशन की प्रैक्टिस को रोज करते होते तो वो उस इम्यूनिटी के ध्यान रखने की चीजें सिखानी नहीं पड़ती। पर वो जेलों से, मतलब जो सिस्टम को शायद आपने शुरू किया, आपके आसपास जो लोग रहे वो भी उतने संवेदनशील रहे कि हाँ ये अच्छी चीज है, अच्छी प्रैक्टिस है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बट कई बार कुछ चीजें एक इंस्टीट्यूशन से, एक संस्था से दूसरी जगह नहीं पहुंची, वो शायद स्कूलों में पहुंच जाती तो हर बच्चा ये सीख चुका होगा। आज वो क्लासेस में जाते हैं, योग की अलग क्लासेस होती हैं, वो पार्ट ऑफ सिलेबस से लेकर कई जगहों पर पहुंच सकता। कब से कह रहे थे कि योगा बड़ा अच्छा है, योगा ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन है, या ईसाई, या ना सिख, ये योगा है, ये आपकी मानसिकता और आपके शरीर में संतुलन करता है, क्यों नहीं समझते थे? कौन मना करता है स्कूलों में योग अभ्यास से शुरू करना, कौन मना करता है? ये टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल, अब आप लेके चले रोज स्कूल हुआ कि नहीं, रिपोर्ट करो योगा हुआ कि नहीं, तो ये क्या है? क्यों नहीं स्कूल का हर इंस्टीट्यूशन ये चीज को अपनाता और कहता कि शुरू करेंगे बच्चों योग अभ्यास से,
अपना अपना बैठो या जाने से पहले। तो ये अच्छी अच्छी शिक्षा तो हर स्कूल, हर अच्छी शिक्षा हर माँ बाप के हाथ में, हर अच्छी शिक्षा हर टीचर के हाथ में, अच्छी शिक्षा हर स्कूल और कॉलेज के हाथ में, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं, वाई नॉट। अब आप वृक्षारोपण की इतनी बात करते हो, क्यों नहीं हर बच्चा अपने बर्थडे के दिन वाले दिन अपने आप पेड़ लगाता, माँ बाप का जन्मदिन पेड़ लगाता, एनिवर्सरी है पेड़ लगाता, फेस्टिवल है पेड़ लगाता। कितना धन लगा इस देश को स्वच्छ अभियान में, जहाँ कहना लगे अरे अपने अपने घर में अपना सा शौच बनाओ ना, अपना अपना टॉयलेट बनाओ। जब आप बना भी सकते थे तभी नहीं बनाया। हम लोग वेट करते जब तक ऑर्डर नहीं आए, जब तक पैसा ना मिले, हमें चाहे गर्म पैसा खर्च भी कर सकते थे तो भी हमने अपना टॉयलेट नहीं बनाया। हम जाते थे वहाँ वहाँ जाना टॉयलेट करने, जहाँ पता नहीं कि उसी टॉयलेट वो नदी में बह रहा है और वही नदी हमारे कुएं में जा रही है। ये बैक टू इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल। आज समय आ गया है हम हर चीज को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ले जाए। प्रॉब्लम यह है कि इतने साल हम सिर्फ अपने हकों के, राइट्स राइट्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स, मैं कहती हूँ ह्यूमन ड्यूटीज ह्यूमन ड्यूटीज। मैं ह्यूमन ड्यूटी को हमेशा आगे लेके चली हूँ, इसीलिए मैं एक ज्यादा काम कर सकती हूँ, क्योंकि हर चीज में मैंने ये देखा मेरी ड्यूटी क्या है। मेरा हक तो मुझे मिल गया, जो मुझे भगवान ने जिंदगी दे दी सबको दे दिया, लेकिन मेरी ड्यूटी का है जहां पर मैं हूं इस वक्त इस दायरे में, मैं यहां हूं क्यों और मेरा कर्तव्य क्या है। जब मैं तिहाड़ जेल में गई थी तो मैंने यही देखा था, मेरा कर्तव्य यहां इसको सुधार गृह बनाने के लिए, नॉट पनिशमेंट गृह, ये सुधार गृह। सुधार गृह में शिक्षा होती है, धर्म होता है, डिसिप्लिन होता है, एटिकेट होता है, स्वच्छता होती है, तो वो सारी चीजें। अब आप कहोगे पैसा नहीं था, तो नहीं था पैसा, कोई बात नहीं, बाहर एनजीओ से ना एनजीओ को बुलाया, एनजीओ को आने नहीं दे रहे थे, एनजीओ को जब आने दे दिया। मैं खुद एक एनजीओ हूं प्रिजन में, आज 25 साल हो गए मुझे तिहार छोड़े, आज मेरी संस्था एक एनजीओ के रूप में जाकर तिहार जेलों में और सारे जेलों में सेवा करती है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हरियाणा के सारे प्रिजन, यूपी के कई प्रिजन, ये तो प्रोग्राम बहुत फैल गए। सवाल ये उठता है मेरे पास पैसा जीरो था, लेकिन एनजीओ बाहर में इतने सारे थे कि वो आए, किसी ने पढ़ाया, किसी ने सिखाया, किसी ने खिलाया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने सत्संग किए, किसी ने प्रवचन दिए, किसी ने किताबें दी, किसी ने मेडिकल केयर दिए, सारे एनजीओ थे। तो आज अगर हम लोग ईमानदारी से लगन से अपने कर्तव्य की तरफ देखें तो साधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम सोचे नहीं तो हम तो बहुत बड़े अफसर हैं, हम से कोई आएगा तो मैं देखेंगे। अरे अफसरी छोड़ो, इस वक्त अपनी अपनी अफसरी छोड़ के हम अपना अपना काम जब करने लगे, अपने कर्तव्य की ओर चढ़े, तो इस हिंदुस्तान में कोई चीज की कमी नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी कहते ना आत्मनिर्भर बनो, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर हम अपने साधनों को जोड़ने की कोशिश करें और एक दूसरे की ताकत को पहचाने। ये ना सोचे इसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं, नहीं नहीं, हमारा नाम, हमारे देश का नाम इसमें, भारतवर्ष का आगे आएगा तो सबका नाम आएगा। लेकिन अगर भारतवर्ष फेल तो हम सब फेल, अगर भारतवर्ष पास आत्मनिर्भर तो हम सब आत्मनिर्भर। बात वही मैम जो भी आपने कहा कि शायद हर कोई इस नदी के धार को मोड़ना नहीं चाहता। मैं आत्मनिर्भर वाले पॉइंट पर आऊंगा, उससे पहले आगे के काम की एक और जिक्र करता हूँ। कुछ दिन पहले हम सभी लोगों ने इमरजेंसी के दिन को याद किया था, वो दिन आया था जब इमरजेंसी लगी थी। इंदिरा जी के दौर पे मीडिया ने बकायदा आपको क्रेन मेली की जगह क्रेन मेली बोलना शुरू कर दिया था, क्रेन मेली लिखना शुरू कर दिया था। 90s जनरेशन जो है वो शायद उस चीजों को, उस परिस्थिति को, उस किस्से को नहीं समझ पाती है। ये क्रेन मेली नाम कैसे पड़ा मैम, अगर उन तमाम लोगों के लिए साफ करता, कोई ऐसा उस दौर का एक ऐसी घटना, कोई एक ऐसी याद जो शायद बहुत लोगों के बीच में नहीं है, उन कॉल को लेने के कारण जो हुई है, अगर वो आप बता पाए तो। हाँ, क्रेन मेली का नाम ऐसे पड़ा था कि जब मैं डीसीपी ट्रैफिक दिल्ली पुलिस में थी तो एक ही डीसीपी ट्रैफिक था, एक सारी दिल्ली के लिए एक डीसीपी ट्रैफिक, सारी दिल्ली सड़कें तो और नहीं ना, दिल्ली तो उतनी ज्योग्राफिकली वो तो एक्सपैंड हुई ना, वो तो एक्सपैंड हुई उतनी थी, ले और लोग दाएं बाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब जगह रहते थे, चाहे गांव रहते, तब मेरे पास तब गांव दिल्ली में बहुत सारे गांव थे, उसका अपना ट्रैफिक था, ट्रक लोड का ट्रैफिक था। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि जब मैंने डीसीपी ट्रैफिक का काम संभाला तब एशियन गेम्स, 9th एशियन गेम्स आने वाली थी, वो बहुत बड़ा इवेंट था हमारे देश के लिए, तो उन दिनों में मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी गई।
तो मैं ट्रैफिक को नहीं समझती थी, जानती थी कि मुझे खुद सड़कें नहीं आती थी, और मैं इतनी सीनियर ऑफिसर नहीं थी जो कि दिल्ली की सड़कों को पहचाने। मैं तो खुद उसकी रोटरी में घूमती रहती थी, कई बारी कनॉट प्लेस के चक्कर मैं खुद घूम जाती थी अपने स्कूटर में चलाते हुए कि उस वो दूसरा रोड कहाँ है। तो मगर एक बारी जिम्मेवारी मिली तब मैं रोज गाड़ी में बैठती थी सुबह 8 बजे और दिल्ली घूमती थी और जगह देखती थी, सड़कों को समझती थी, नक्शा लेके घूमती थी। जब मैं सड़क पे चलती होती थी 8 बजे तो मैं देखा एक ट्रक उल्टा हुआ, फिर एक बस उल्टी हुई, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ और सड़क जाम है और लोग तंग होके दूसरी जगह जा रहे। तब मैंने अपने ऑफिसर से पूछा ये क्या मुसीबत है जी रोज, ये इसको हटाएगा कौन? बोले मैडम क्रेन उठाएगी। तो मैंने कहा क्रेन कहाँ है? बोले वो लाइन में है। मतलब कहाँ लाइन में? मतलब एक तो वर्कशॉप में, एक वहां खड़ी है जी, खराब है, ठीक है खराब। तो मैंने कहा ये फिर कौन उठाएगा? बोले क्रेन उठाएगी, और क्रेन है नहीं। तो रोज हम धक्के मारते थे, बस को हटाते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तब मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि सलूशन तो हमको ढूंढना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, और मैं ओवरनाइट क्रेन खरीद नहीं सकती क्योंकि लाखों रुपए की क्रेन है, बजट है नहीं, तब तक मेरी टेन्योर खत्म हो जानी है, 9th एशियन गेम्स आ रही है, ऊपर से इतनी सारी दुनिया दिल्ली ने आना है, 19 स्टेडियम्स थे। तो बोले मैडम प्राइवेट क्रेनें हैं। तो मैंने प्राइवेट क्रेनों को वालों को बुलाया, जो तिहाड़ जेल में मैंने एनजीओस को बुलाया, ऐसे मैंने प्राइवेट क्रेनों को बुलाया। मैंने कहा बोलिए आपको क्या चाहिए? मुझे ये प्राइवेट क्रेनें चाहिए, हर आपको मैं एरिया वाइज इंस्पेक्टर के साथ बांट दूंगी, आप मुझे बताइए आपको भी खर्चा चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल ये आप एनजीओ तो है नहीं, क्रेन का काम आपका बिजनेस है। तो बोले मैडम ऐसे है कि हमको ड्राइवर और ऑयल का खर्चा चाहिए, हाँ ये है कि अगर जो आप चलान कहेंगे कि गाड़ी चलान ये क्रेन ये रॉन्ग पार्किंग है, इसका चलान आप कर लीजिए, लेकिन हमें जो कॉस्ट है उसको गाड़ी उठाने की, वो हमें कॉस्ट लेने दीजिए, हम उसकी भी रसीद देंगे। मैंने कहा वो ये एग्रीड है, आप उसी का चला उसी की गाड़ी उठाएंगे जो हम कहेंगे, ताकि ये नहीं मजा से उठाओ और आपका बिजनेस, नो हम चलान जिसका करेंगे वही गाड़ी आप उठाएंगे। तो आप हैरान होंगे, एक अब दो दिन में सारी दिल्ली में 16 क्रेनें आ गई, एक जीरो क्रेन से 16 क्रेनें जब दिल्ली भर में दिखने लग गई। सरकार ने कोई नहीं खरीदा, सरकार ने कोई स्टाफ नहीं दिया, हमने सिर्फ ये फैसला किया कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये इन्फोर्समेंट के लिए है, और लोगों को हमने माइक भी लगा के कहा कि क्रेन आ रही गाड़ी उठा लो, लोगों को मौका भी दिया। सो इससे जो आप क्रेनें दिखने लग गई, गाड़ियां उठने लग गई, सड़कें साफ होने लगी, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होने लगी, लोगों को राहत मिली, और उससे उन्होंने मेरा नाम बदल दिया, जो आपने नाम का आपने बाद में दिखाया, जिसको कहा क्रेन बेद। जी मैम, आपने इस सवाल से पहले एक शब्द कहा आत्मनिर्भर भारत, जिस पीएम जो मुहिम चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसकी बात कही। देश में इस वक्त एक मुहिम और चल रही है आत्मनिर्भर होने के लिए, चाइना पर निर्भरता कम करने की। आप मानती हैं इस तरीके की मुहिम, इस तरीके का जो जन जागरण देश में हो रहा है, ये कोई बदलाव ला पाएगा और ये कोई मैसेज दे पाएगा? मैसेज यही है कि जब आप ये उठता है कि अगर हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है और अपने आप को आत्मनिर्भर करना है, तो हम अपनी काबिलियत पहचाने और एक दूसरे की मदद करें कि आपके पास ये काबिलियत है और इस वक्त सरकार आपकी मदद कर रही है, आपको फंडिंग भी दे रही है, पॉलिसी चेंजेस भी ला रही है, ताकि आप प्रोडक्शन अपनी काबिलियत से बढ़ाएं। हमारे पास सारे इंजीनियर्स हैं, यहाँ सारे साइंटिस्ट हैं, हमारे पास रिसर्च मेडिकल में भी है, फार्माकोलॉजी में है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम अपनी जो हमारी देश की मार्केट है 1.3 बिलियन, ये बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन दुनिया के लिए। तो हम जो इस वक्त पॉलिसीज गवर्नमेंट की इंडिया में चेंज हो रही है, और वो स्टार्टअप के लिए और मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर इन इंडिया, अगर हम इस पर और हमारी बैंकिंग पॉलिसी पे जो परिवर्तन आ रहा है और इंसेंटिव आ रहे हैं, इसको हमको इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। इस वक्त सिनिसिज्म नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, हिम्मत करके वी शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब ओपन इंडस्ट्री डिफेंस ओपन हो रहा है, वेयर डिफेंस पार्ट्स विल बी, डिफेंस वेपन्स विल बी मेड इन इंडिया। कितनी इंजीनियरिंग के लिए आज हमारी बूस्ट है, इट्स अ बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। सो आई थिंक इस वक्त सोच बदलना है टू बिकम मोर इंडियन ओरिएंटेड, इंडियन प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और जो जो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए मैसेज ये है कि जो भी प्रोडक्ट
हम इनकरेज करें, स्टूडेंट्स कॉलेज में भी इनकरेज करें जब हम लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं कि बच्चों के पास इनोवेशंस क्या है, उनके लिए भी इनोवेटिवली उनको भी हेल्प करें ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े सॉफ्टवेयर में, कोडिंग में, बच्चे हमारे बहुत लायक है। जी मैम, मैं लगातार कमेंट्स फिर पढ़ते जा रहा हूँ, एक बार फिर सोशल मीडिया में जितने कमेंट्स आ रहे हैं, हर चौथा पांचवा कमेंट के बारे कि मैम आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए, ऐसे लोग एक वॉइस की उम्मीद रखते हैं। बॉयकॉट चाइना मुहिम, क्या आप मानती हैं कि जो वॉरेन पापा की बात हो रही है वो ज्यादा सरकारक है? आप भी उन चाइनीज प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट और भारतीय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ाने में आप भी साथ देंगी? क्या सिविलियन वॉइस जो उठ रही है भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की, क्यों विदेशी पर निर्भरता कम करने की, स्पेसिफिकली चाइनीज को, आप भी उसके साथ हैं? Why Chinese? Why any? अगर हम लोग अपना, why only Chinese? Why not everywhere? अगर हम लोग एक प्रोडक्ट बना सकते हैं तो हम उसको प्रेफर क्यों ना करें, और हम अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उसको क्यों ना करें? Why not our own product? Why only Chinese? I would say any product. हम any product. जब हमारे पास एक बेटर सब्स्टिट्यूट अगर इंडियन प्रोडक्ट है, वी शुड प्रेफर दैट, और अगर उसको बेटर कर सकते हैं और तो उसको बेटर करें। आई एम फॉर सेल्फ रिलायंस, इंडिया सेल्फ रिलायंट शुड बी बिकम आवर मोटो। एक रिपोर्ट है, मैं इस मुद्दे से लेकर मुद्दे पर जा रहा हूं कि चीन में, क्योंकि आप महिलाओं के लिए बहुत प्रोमिनेंट वॉइस हैं, खासतौर पर उनके अधिकारों की जब आप बात करती हैं, चीन के कुछ इलाकों में जो पाकिस्तान से लगते हैं वहां औरतों को परचेज किया जाता है, पाकिस्तान से वो बहुएं खरीद कर ले जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसी जो हालत होती है इंटरनेशनली इस तरीके की चीजों पर, उस पर कभी वॉइस नहीं है? शायद इन देशों की सो पर जो बड़ी पावर बन गई है उनके लिए, उसके कारण, उस डर से? मैं किसी जनरल क्वेश्चन का जनरल आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मैंने देखा, ना मैंने रिसर्च किया, ना मैंने पढ़ा, इसलिए मैं आपका जनरल इंप्रेशन को मैं जनरल आंसर नहीं दे सकती। मैं एक जुम्मेवार ऑफिसर हूं, मैं वही जवाब दूंगी जिसका कुछ मेरे पास पर्सनल नॉलेज है, इसलिए जो आप कह रहे हैं इसका मेरे पास डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज नहीं है, सुनी सुनवाई या हकीकत मुझे मालूम नहीं, मैंने नहीं देखी, इसलिए मैं एक जुम्मेवारी का ही जवाब दे सकती। अब एक चीज और, मैंने कि जिस जगह पर आप बैठी हैं वहां से कई बार पॉलिसी तय होती है, जो थोड़ी देर पहले ने बात की थी शायद दिस इज न्यू नॉर्मल, आपको क्या लगता है कि अब आगे जो सिस्टम होगा, आगे जो लोगों के काम करने का तरीका होगा, भविष्य होगा, ये न्यू नॉर्मल क्या होगा? जो दम बड़ा चल रहा है, किन चीजों पर लोगों को ध्यान देना होगा, क्या ऐसी पॉलिसी होगी जिसको लोगों को खुद बनाना होगा, जो आपने कहा कि देश के लोग ही देश बना पाएंगे अगर सब पास हो जाएंगे, देश अपने आप पास हो जाएगा, अगर अपने अपने मन में आत्मनिर्भरता होगी तो आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, खुद आत्मनिर्भर करेंगे, घर इकट्ठा चलाएंगे, काम मिलके करेंगे, ऑफिसर्स में लीडरशिप टीम वर्क ज्यादा बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, मोबिलिटी जो हम लोग आप फालतू खर्चे करते थे वो कम होंगे, सो मेरे हेल्थ की तरफ ध्यान होगा, बच्चों की तरफ ज्यादा परवरिश पर ध्यान होगा, टीचर्स ज्यादा समझदारी करेंगे, सो आई थिंक ये ओवरऑल, अगर ये एनवायरमेंट की तरफ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जो एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो ही जा रही थी वो और खत्म होगी, आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का बिहेवियर अगर हमारे पास आ जाता है तो मैं समझती हूँ कोविड एक बहुत बड़ा एक परिवर्तनीय समय होगा, परिवर्तनीय सेंचुरी होगी। मैम अभी कई स्कूल कॉलेजेस, कई यूथ, कई बच्चे आपको सुनते हैं यूट्यूब पर जाकर आपके भाषण देखते हैं। 5 more minutes, okay? 5 more minutes. मैं ये इसको आपके सवाल ही इतना करता हूँ, वो लोग आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पर सुनते हैं यूट्यूब पर, अभी भी आपकी पुरानी स्पीच जो आपने अलग अलग जगहों पर दी है वो देखी जाती है। इस वक्त पर कई ऐसे युवा हैं जॉब से लेकर तमाम सेक्टर में जो जिस तरीके की चुनौतियां उसके कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, शायद परेशान हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं भी इसको आपके सवाल ही देता हूँ, आपका क्या मैसेज है? जो परिस्थिति है जो थोड़ी विपरीत दिखाई दे रही है, इससे कैसे पार पाया जा सकता है? तो इस समय ने फिर उनको शीशा दिखा दिया ना, इस समय ने उनको शीशा दिखा दिया कि आपको अपने पर कोई काबू नहीं था, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के आधार पर चल रहे थे, अच्छा
खर्चे के आधार पे चल रहे थे, टेम्पररीनेस में चल रहे थे, शीशा दिखा दिया ना, अब डिप्रेशन क्यों है, बल्कि ये क्यों नहीं, समय मिला मैं पढ़ूं, समय मिला मैं योग अभ्यास करूं, समय मिला मैं म्यूजिक सीखूं, समय मिला मैं कोई रिसर्च करूं, समय मिला मैं कोई और दूसरों के काम आऊं, समय मिला मैं मेरी सब अपनी बैंक बैलेंसिंग ठीक करूं, समय मिला मैं अच्छी दोस्ती रखूं, समय मिला मैं कोई और आईटी सीखूं, समय मिला मैंने बड़ों की इज्जत सीखूं, समय मिला मैं देश देश को अपने समझूं, तो ये समय मिला, सो शीशा मिल गया ना। एक वही व्यक्ति जो कह रहा है मुझे समय मिला, और वही व्यक्ति कह रहा है जो मेरा डिप्रेशन हो गया। पता चल गया ना कि कोविड से पहले आप जीवन कैसे जी रहे थे, आपको अपने पर कोई संतुलन नहीं था, अपने पर कोई काबू नहीं था, जहां दिल किया चले गए, जहां खर्चा किया खर्चा कर दिया, जिसको जो कहना था कह दिया, समय जहां बर्बाद करना था कर लिया, जब कुछ खाना पीना तो पी लिया, पर सेहत का खराब हुई नहीं हो गई, इरिस्पॉन्सिबल। आई थिंक इट्स शोन अस द मिरर, हम मानसिक स्थिति में कहां थे। कोविड ने हमें सिखा दिया हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति आत्मनिर्भर थी कि नहीं थी। अगर उसकी आत्मनिर्भर नहीं थी तो पता चल गया कि तुम तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट पर थे दूसरों पे, डिप्रेशन ले रहे थे, नींद की गोली ले रहे थे। अब आपको पता चल गया है कि ये थे तुम बदल सकते हो। आज हमें समय मिला है, आप सारी अपनी क्लॉक को रिवाइंड कर सकते हो अगर आप रिवाइंड करना चाहो। अगर नहीं रिवाइंड करने तो अब आपको दो क्लॉक्स पता चल गई, एक पास और एक फेल, तो आप फेल वाले को पास की तरफ ले जा सकते हो। अब ये समय मिला। जो शब्द आपने कहा उसी शब्द को लेता हूं और आखिरी मैसेज के तौर पर मैं, कौन सी ऐसी नदी है जिसकी धारा मोड़ने की भारत के युवाओं को जरूरत है? अपने मन की, अपनी सोच की, अपने चरित्र की, अपनी नेगेटिविटी की, क्योंकि आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं। बिना सोच के कुछ करते, बिना सोच के अपनी सोच को समझो और अपनी सोच को स्वच्छ करो, अपनी सोच को बढ़ाओ, उसमें बुद्धि लाओ, समझदारी लाओ, मूल्य लाओ, स्थिरता लाओ, और उसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो सीखो। ये समय है सीखने का। अगर आपने इतनी देर नहीं सीखा तो सीखो, तो धारा बदलेगी कोई ऐसे नहीं, ये सोच से, क्योंकि जहां सोच आपकी ले जाती है वहीं आप जाते हैं। वही सोच आपको मंदिर ले जाती है, वही सोच आपको एक गलत जगह भी ले जाती है। सोच बदलो, टांगे तो वही है, आपकी सोच है जो आपको वो सड़क पे गलत ले जा रही है, गलत डायरेक्शन ले जा रही है, वही सोच आपको कोई करेक्ट जगह, पवित्र जगह ले जा रही है। तो अपनी सोच को बदलो, तो सोच बदलोगे तो सारा व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदलेगा तो आपके आसपास का वातावरण बदलने लगेगा, जब वातावरण बदलेगा तो सारा जहान आपका बदलने लगेगा, सारा स्वच्छता की ओर तरफ लगेगा, ना कि प्रदूषित होने। सो टिक इज फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड एनवायरमेंटली। सो अगर आप पोल्यूटेड है, एयर भी पोल्यूटेड है, आपका माइंड भी पोल्यूटेड है, आपकी बॉडी भी पोल्यूटेड है, तो आप तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं, देश तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? अगर बीमारों का देश हो, देश तंदुरुस्त होता है जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें सही स्वच्छ ऊर्जा हो, हर नौजवान में पॉजिटिविटी हो, ऊर्जा हो कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की, कुछ अपने देश के लिए करने की, कर्तव्य भाव से, हिम्मत से, सोच से। सो मैं समझती हूँ अगर आपने एक सोच देश को लिए कुछ अपना देना है और लेना है, ऊर्जा दो ऊर्जा लो। आप अपने देश को ऊर्जा नहीं दोगे तो ऊर्जा बनेगी कैसे? आप ऊर्जा दो, आपको देश की ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे ही एक एनर्जाइज्ड देश, एक हेल्दी देश, एक आत्मनिर्भर, बीमारों का देश निर्भर नहीं होता, आत्मनिर्भर नहीं होता, तंदुरुस्ती का। द हेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स वेल्थ एंड यूथ ऑफ द नेशन इज इट्स वेल्थ। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमारा देश तंदुरुस्त है, अगर हम बीमार हैं तो हमारा देश बीमार है। आओ तंदुरुस्त बने, मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से और आत्मिक तरीके से। जब आप मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से और आत्मिक तरीके से शुद्धता लाओगे, शोध में शुद्धता लाओगे, तो ये देश शुद्ध होने का, शुद्ध एक तंदुरुस्त हेल्दी कंट्री होगी। लेकिन अगर आप बैड इन माइंड, बैड इन बॉडी, अनहेल्दी बॉडी एंड corrupted विद इन, तो ये देश कैसे बनेगा? और ये नहीं है कि थोड़े से हेल्दी हो, ज्यादा लोग बीमार हो तो उन पर चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जब मेजॉरिटी हेल्दी होगी तो देश भागेगा, जब मेजॉरिटी बीमार होगी तो देश फुस हो जाएगा। इसलिए हमको हर एक को अब अपने देश को एक अपनी ऊर्जा देनी, भेंट करनी है, हिम्मत करो, हाथों में काम करो,
कोई इसमें काम में भेदभाव नहीं है, छोटा नोटा कोई काम छोटा नहीं है। काम करो, हिम्मत करो, अपने मालिक बनो, चार लोगों को खुद काम दो, एंटरप्रेन्योरशिप बनो, अप्रेंटिस करो, प्रैक्टिकल वर्क सीखो। इसलिए सीखो, छोटी उम्र में काम करना सीखो। इस माँ बाप का काम है, काम हाथ बटाओ, उनकी दुकान पे बैठो, मम्मी के बिजनेस में जाओ, अपना खेती करते हो तो खेती करो। इसमें कोई बड़ा देश नहीं है, इसमें मैं छोटा मैं दुकानदार बनूंगा क्या? यूरोप एंटरप्रेन्योर, यूरोप बिजनेस में, और मैं किसान बनूंगा, मैं किसान का भाई, मैं फिशरी करूँ, मैं अपने पापा के साथ मछली पकड़े को जाऊँ। अरे तुम फिशिंग इंजीनियर भी बन सकते हो, फिशिंग करने में क्या प्रॉब्लम? कलाम साहब पूछ छोटी उम्र में अखबार बेचते थे, तो अखबार बेचना गलत है, वो कमाते थे अपना छोटी उम्र में, ही वो सेलिंग न्यूज़पेपर्स। तो आज आज तक उनको क्यों हम याद करते हैं? सो मेरा कहने का मतलब है, आप समय है तंदुरुस्ती देश को देना और तंदुरुस्त देश बनाना। जैसे ही आपने सवाल का जवाब देना शुरू किया, मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सारे जितने कमेंट्स आ रहे हैं सबने कहा है कि मैम शायद इस ओर नहीं देखा था, आप एक इंस्पिरेशन हैं, आपने दिखाया कि पॉजिटिविटी की ओर जब समय ऑलरेडी एक नकारात्मक दिख रहा हो कैसे दिखा जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम, वो दो ब्लॉक का अंतर बताने के लिए और ये बताने के लिए कि हमको इस वक्त में इस दौर में कौन सी घड़ी की ओर देखना है। थैंक यू वेरी मच।